अग्नि जो है एक दो ऐसी रागनी जो आप सुनाना चाहें। अच्छा मैं बताता हूँ, इसमें हमने दो सांग लिखे हैं, दो ड्रामा डांस ओपेरा बोलते हैं जिसको, डांस ड्रामा, और पंडित जियों का वही थे, ओपेरा ही थे उनके। तो उसमें सबसे पहले भजन हीम जिसको हम बोलते हैं, वो भजन गाए जाते थे। मैं एक वो गुनगुनाता हूँ, ओम भजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई, सदाना अरव है किसे की सदाना रही, विदाउट योम ही लाइफ सपेंटिन में विच डिड नॉट रिमेन ऑलवेज विल नॉट रिमेन, विदाउट योम ही लाइफ सपेंटिन में विच डिड नॉट रिमेन ऑलवेज विल नॉट रिमेन। अब गीता पे है जैसे, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक बार गीता पे भी देखा कोशिश किया था, तो उसमें एक भजन है, भजन क्या वो यदा यदा धर्मस्य, हमारे श्लोक हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि हम, वो भी ये है। अब उसकी मैं बताऊंगा आपको, आई हैव द बर्थ ऑन द अर्थ व्हेन डेथ इन रिलीजन, I have the birth on the earth when death in religion, and do your duty without a fecundity with the certainty of vision, oh Arjun, yada yada hi dharmasya galanir bhavati bharat, yada yada hi dharmasya galanir bhavati bharat, abhyutthanam dharmasya tadatmanam sirjami hum, जब जब धर्म की हानि जन्म लो धरण पे अर्जुन, कर्म करो बिन फल की चिंता रहो परण पे अर्जुन, हो यदा यदा ही धर्म से गलानी भवति भारत। मेरे को जो ये डॉक्टर विद्या वाचस्पति की जो आंग्ल भाषा में यानी इंग्लिश में जो पीएचडी की उपाधि मिली है, ये 4 वर्ष और 4 दिन लगे इसमें, और इसका जो टाइटल है एक केस स्टडी ऑफ प्रोपोजिशन ऑफ मोनोगेमी इन द सिलेक्ट फोकलोर्स ऑफ पंडित लक्ष्मीचंद स्पेशली हीर रांझा और सत्यवान सावित्री। लक्ष्मीचंद के चुनिंदा साहित्य में पति वर्त धर्म दाम्पत्य प्रेम, अब इसको हमने पशु करने के लिए, इसको करने के लिए जहाँ से मैं बताऊँ आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी, हमने 2012 में पंडित लक्ष्मीचंद साहित्य सांस्कृतिक परिषद जो हमारी यहाँ गोहाना में बनी थी, तो उसमें अपने डॉक्टर गजराज जी, अपने डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, वो हमारे उसमें शामिल, कई सारे लोग शामिल थे, दूर दूर से श्री भगवान जी थे, और डॉक्टर राजेंद्र लाठर जी थे जुलाना से, एक अपने सरपंच साहब हैं नूना माजरा से, बड़े साहित्यकार हैं। तो सोचते भाई हमारा जो हरियाणवी साहित्य है ये बड़ा धनी साहित्य है, बड़ा समृद्ध है, तो हरियाणवी में कुछ लोग समझ नहीं पाते, क्यों ना हम इसको कुछ ऐसा तरीका अपनाएं लोग समझें, तो अब क्यों ना हम इंग्लिश रागनी जो हैं बहुत वैल्युएबल हैं, इनको क्यों ना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी शुरू की, जैसे जो पहली रागनी जो ट्रांसलेट हुई थी वो ये थी, 3 रोज मन हुए तड़पती में कुछ ना खाई खेली, भाइयाँ किसी जी जाएंगी थी और दर्शन करा सहेली, 3 days have gone with pining, I didn't eat drink and be merry, brother swear I will lie, show me face that cute valley। अब ये देखा, ये तो बड़ी गे हैं, गाई जाने वाली हैं, और धुन में गाई जाती है, घड़े बंजू पे भी गाई जाती हैं। तो हमने शुरू किया तो बहुत सा साहित्य ऐसे ट्रांसलेट हुआ, और फिर जो है एक बुक छपी, और क्योंकि साथ में मिसिज भी इसमें मदद करती थी, तो उन्होंने एक बुक लिखी पंडित लक्ष्मीचंद की अंग्रेजी रागनियां। तो हमने देखा इस पे तो कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, तो फिर हमने थीसिस जो सत्यवान सावित्री और बाजे भगत इनकी कंपैरेटिव स्टडी की, तो ए प्रोपोजिशन ऑफ मोनोगेमी इन द सिलेक्ट फोकलोर पंडित लक्ष्मीचंद, ये मेरा टॉपिक था। इसके लिए मैंने 4 शोध पत्र भी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो जर्नल्स हैं उनमें शोध पत्र भी दाखिल किए हैं, छपे हैं। हम चाहते थे कि भाई
लोग एक ऐसा रास्ता पढ़े, एक ऐसा मंच तैयार हो जिससे हमारे हरियाणवी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और दूसरे लोग भी और दूसरे विद्यार्थी भी हमारे पीछे जो हैं वो भी देखें कि ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एक वो खुल गया है, वहां पे जो है हम हमारे दूसरे बच्चे भी इसको कर सकते हैं। अब मैंने पंडित लक्ष्मीचंद के एक सांग पे किया है, दो सांग की कंपेरेटिव स्टडी की है, तो इसके तो बहुत सारे सांग हैं यहाँ, बहुत बहुत से लोग कर सकते हैं। और सिर्फ पंडित लक्ष्मीचंद क्यों, बाजे भगत, दयाचंद मायना, जाट मेर सिंह, और हमारे मायना वाले जो दयाचंद जी हैं, जगदीश चंद्र जी हैं, ऐसे जाटी वाले पंडित मांगेराम हैं, इन्होंने इतना समृद्ध लिटरेचर लिखा है तो दुनिया तो भौचक्की रह जाएगी। अगर मैं कहूँ मैंने कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर बहुत पढ़ा है, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश वो भी पढ़ा है, लेकिन एक अगर हम हमारी महाभारत और रामायण, वेद उपनिषद इनको छोड़ दें, इनको छोड़कर दुनिया में कोई भी लिटरेचर पंडित लक्ष्मीचंद के लिटरेचर के सामने फीका है, तो हमने सोचा भी जरूर जो है पंडित लक्ष्मीचंद पे इंग्लिश में पीएचडी होनी चाहिए, इसलिए ये विशेष है, ये इंग्लिश में पहली पीएचडी है लक्ष्मीचंद जी के ऊपर, पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर, पूरे देश में पहला है, पूरी दुनिया में पहला है। हाँ, क्योंकि दूसरी भारतीय यूनिवर्सिटीज में पंडित लक्ष्मीचंद पे पीएचडी हुई है, लेकिन वो हिंदी भाषा में हुई है, हमारी मातृभाषा है हिंदी भाषा है, ये कहते हैं ऑर्डिनेशन विद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन विद संस्कारों से मिलती है, हमारी संस्कृति है, संस्कृत से सब कुछ निकलता है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे संस्कारों में, इस भारत देश में, इस हमारे हिंदी साहित्य में क्या क्या छुपा है दूसरे लोग भी समझ सके, हमने इसलिए वो इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करके हमने कोशिश की है, पढ़ो देखो और भी हमारा साहित्य है उसको भी पढ़ो, इसलिए इसको ट्रांसलेट किया था। हमारा कोई ये मकसद नहीं था कि हम इंग्लिश का प्रचार करें, हमारा मकसद ये था कि हमारे संस्कृत साहित्य, हमारे हिंदी साहित्य में, क्योंकि संस्कृत हिंदी की जननी है, हमारे हिंदी साहित्य में क्या क्या छुपा है आप लोग देखिए। हम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं वैसे ही नहीं बोलते हैं, हम भारत विश्व गुरु वैसे ही नहीं बोलते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर किसी का, कोई बाहर से कोई आता है उनका सम्मान करते हैं, यहाँ पे कितने लोग आए सभी तो का। हरियाणा में जो कल्चर मतलब पंडित लक्ष्मीचंद की रागनी है या और कुछ है, इनको बढ़ावा देने के लिए हाँ इनको विदेशों इनको में भी हाँ, इनको बढ़ावा देने के लिए हमने इसको इंग्लिश में किया, क्योंकि अब ये छपेगी, ये ऐसी जगह जाएगी, अब सारी दुनिया में आप लोग कहीं भी देख सकते हो लक्ष्मीचंद के ऊपर जो कुछ लिखा है वो इंटरनेट पे सब कुछ आ जाएगा, आप जानते हैं सभी, तो सारी पृथ्वी एक परिवार हो गया जब से नेट इसलिए उपाधि तो मिली आपको, मेरे को 13 सितंबर 2023 को। उपाधि मिली हाँ जी हाँ। इसका औचित्य क्या है? इसका औचित्य ये है, इसका जो थीसिस है वो प्रोपोजिशन या आइडिया प्रोपोजिशन ऑफ मोनोगेमी, एक पतितव या एक पत्नीतव का विचार। आजकल समाज में बहुत सी बीमारियां फैली हुई हैं और एक व्यक्ति कई कई शादियां करता है, कितनी शादी, जनसंख्या बहुत ज्यादा है पहले ही, और उन घरों में झगड़े रहते हैं, 2000 अरेना और बैटल, वो जो है एक अखाड़े हैं लड़ाई के, क्योंकि एक आदमी की कई पत्नियां, उसके बच्चे भी अलग अलग। जब भगवान श्री राम ने, जब सीता माता ने उसे मुंह दिखाई मांगा तो कहा था मैं आपको मुंह दिखाई दूंगा, मैं एक पत्नी तो रहूंगा, जबकि उसके पिता की 3 पत्नियां थी। अब राजा रामचंद्र ने वो सारे आदर्श पेश किए हैं, क्योंकि इस दुनिया को हम जो है वो किसी फोर्स से काबू नहीं कर सकते हैं, हम संस्कारों से काबू कर सकते हैं, और वो संस्कार हमारे साहित्य में वही संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए हमने चाहा कि हमारे साहित्य को पढ़ा जाए और ये हमारे समाज में फैलना चाहिए ताकि लोगों के दिमाग पे इसका असर पड़े। इस तरह अभी आपने लक्ष्मीचंद पे किया, इस हरियाणा में तो और इस बड़े बड़े साहित्यकार रहे हैं, क्या उनपे आगे रहेगा? हाँ ऐसे है, आगे हमारा यही विचार है, जैसे अब शुरुआत पंडित लक्ष्मीचंद से हुई है, तो इसके बाद पंडित मांगेराम है, जाट मेहर सिंह है, बाजे भगत है, और दयाचंद जी मायना वाले हैं, उनके ऊपर भी पीएचडी लोग करनी चाहिए, एक रास्ता खुल गया है, अपने आप हो जाएगा, एक रास्ता खुला है, विचार आया लोगों, हमने एक विचार पेश किया लोगों, तो नेचुरल बात कितनी मेहनत की इसके लिए आपने? मैंने बहुत ज्यादा किया, मैं अब ये समझो 2011 से मैं लगा था, मतलब रातों को जब हम इसको ट्रांसलेट करने बैठ जाते शाम को बैठेंगे तो एक राग हो सकता है सुबह हो जाए,
एक रागनी को ट्रांसलेट करने में। और देखो पीएचडी में तो 4-5 साल लगे हैं, वो तो गाइड का भी कोलैबोरेशन था। ये किताब में कितनी उसकी वो है? ये 280 पेज है इसमें, और इसमें 4 शोध पत्र हैं। वो तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स होती हैं भाई, इतना इतने पेज होने चाहिए, ऐसे ऐसे शोध पत्र होने चाहिए। इसमें मुख्य सहयोग किसका रहा है? इसमें मुख्य सहयोग जो है मेरी पत्नी का कहूँगा मैं, क्योंकि उन्हीं की बुक पे ये पीएचडी है, और उन्होंने ट्रांसलेशन में कई बार कई मीनिंग, जैसे भाई इसमें राइम स्कीम होती है, तुकतान होता है रागिनी में, और मेरे को राइम स्कीम नहीं मिल रही है तो मैं उनसे पूछता, वो भी इंग्लिश में एमफिल है, वो भी लेक्चरर है गांव में ही, तो पूछता तो मैं रात को भी पूछ लेता था, कभी उन्होंने हरकत यानी आलस्य महसूस नहीं किया, तुरंत बताया मैं। तो हो जाता है कई बार, भी नहीं पता होता है, तो वहां से मदद मिलती है, कई बार इंटरनेट से भी मदद लेनी पड़ती है उस तुकतान को पूरा करने के लिए। तो हमारा ये एक मकसद था इसका, इसलिए ये औचित्यपूर्ण है। कैसा लग रहा है डिग्री के लिए अब आपने? मेरे को ना, मैं इतनी खुशी 2-3 बार मिली हुई है। एक बार तो मैंने 10वीं पास करी थी तब, एक बार जब मेरे को गाड़ी चलानी आई ना उस दिन बहुत खुशी हुई थी, और एक दिन जब सरकारी नौकरी मिली तब, और ये चौथी जब ये डिग्री मिली, इसके बाद मेरे को मतलब अप्रम अब बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं फिलहाल नहीं, मैं अपने गवर्नमेंट सीनियर स्कूल में इंग्लिश लेक्चरर हूँ। नहीं, मेरे ही गाँव में, बैंसवाल गांव में। आपकी पत्नी भी? हाँ, मेरी पत्नी भी वो गर्ल्स स्कूल में है, वो भी लेक्चरर है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैंसवाल कला, और मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैंसवाल कला। पूरा नाम क्या है? अब तो डॉक्टर शमशेर मलिक है, अब बैंसवाल बैंसवाल कला। आगे क्या करने का? आगे तो बस हमारी जो जो पंडित लक्ष्मीचंद साहित्यिक सांस्कृतिक शैक्षणिक परिषद है, उसको अब हम बाजे भगत और पंडित अपने पंडित मांगेराम जाट मेहर सिंह और इनको भी और ट्रांसलेट करके हम चाहेंगे कि मोटिवेट करेंगे दूसरे बच्चों, वो भी इसमें रिसर्च में आगे हाँ, तो क्योंकि हमारा देश इससे ब्रेन जो है, ब्रेन के कारण ही आगे है, हमारे काफी उत्तम दर्जे का ब्रेन है लोगों का, वो कुछ ना कुछ तो अच्छा रिसर्च करेंगे।